हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ ऑसम माइंड्स। आप सभी का दोस्त, आपका बड़ा भाई उत्कर्ष आप सभी का स्वागत करता है। आज हम देखते हैं कि हर फील्ड में कंपटीशन है। स्कूल में है तो अच्छे मार्क्स लाने का दबाव होता है, वर्किंग में है तो टारगेट पूरा करने का दबाव होता है और हर वक्त अपना बेस्ट देने का प्रेशर होता है। आज स्थिति यह है कि लोगों को मानसिक तौर पर बीमारियाँ बनने लगी हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में हर चार में से एक व्यक्ति कभी ना कभी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होता है। वहीं नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के मुताबिक भारत में करीब 15 करोड़ लोगों को मेंटल हेल्थ केयर की ज़रूरत है। तो देखा जाए, आज की लाइफस्टाइल की वजह से लोग तेज़ी से डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे मेंटल डिसऑर्डर के शिकार हो रहे हैं और इसी को देखते हुए कई टेक स्मार्ट कंपनियों ने एक ऐसे चैटबॉट पेश किए हैं जो बेसिक मेंटल डिसऑर्डर से उबरने में मददगार साबित हो सकते हैं। वैसे इस तरह का सबसे पहला चैटबॉट एलिजा 1966 में आया था, जिसे जोसेफ बेजेनम ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेवलप किया था। इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया था ताकि इंसान और कंप्यूटर आपस में बात कर सकें। चैटबॉट बेसिक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT में भी मददगार होते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे चैटबॉट के बारे में जो आपके मेंटल डिसऑर्डर को दूर करने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो इसमें पहला है WOE बोट। यह एक तरह का पर्सनल चैटबॉट है जो खुद को समझने में आपकी मदद करेगा। यह आपसे पूछेगा कि आप क्या फील कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या सब हो रहा है, फिर यह आपके जवाब और मूड के हिसाब से आपको टूल प्रोवाइड कराएगा। यह फ्रेंडली कन्वर्सेशन के जरिए आपके मूड को ट्रैक करता है, साथ ही अलग अलग मेंटल डिसऑर्डर के हिसाब से साइंस बेस्ड टेक्निक के बारे में गाइड करता है। ये मूड मैनेजमेंट, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, शॉक हैबिट्स, एडिक्शन में मददगार होता है। इस चैटबॉट को क्लिनिकली साइकोलॉजिस्ट ने तैयार किया है। इसे अपनी मेंटल हेल्थ के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसे iOS और एंड्रॉयड के लिए भी डाउनलोड किया जा सकता है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंटेंट होगा। दूसरा है ब्यासा। पेंगुइन की तरह दिखने वाला यह चैटबॉट आपका लाइफ कोच हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित यह चैटबॉट जब भी आप एंजाइटी या फिर मेंटल डिसऑर्डर में ग्रस्त हों, इसकी मदद ले सकते हैं। यह CBT, DBT, योगा, मेडिटेशन जैसी चीज़ों के जरिए स्ट्रेस, एंजाइटी, स्लीपिंग आदि जैसे मेंटल डिसऑर्डर को दूर करने में सहायक हो सकता है। जब आप इससे बातचीत करेंगे तो रिलैक्स होने में आपको मदद मिलेगी। यह इमोशनल इंटेलिजेंस चैटबॉट भी है, इसलिए आप जिस तरह का इमोशन दिखाएंगे उसी तरह ये रिएक्ट करता है। इसमें 40 तरह के कन्वर्सेशनल कोचिंग टूल्स हैं जो किसी भी तरह के पैनिक अटैक, एंजाइटी से उबरने में आपकी मदद कर सकते हैं। यह ऐप भी गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसका डिस्क्रिप्शन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तीसरी है यूपर एंजाइटी एंड डिप्रेशन। हर किसी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जब भी मानसिक तौर पर परेशानी महसूस करें, कुछ देर के लिए यूपर के साथ बातचीत कर लें। यह आपको इससे उबरने में मदद करेगा। इसे साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर जोस हैमिल्टन ने डेवलप किया है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्क करता है और दिन में कभी भी आप यूपर से पूछिएगा हाउ आर यू, अगर इस सवाल का जवाब कलर कोड इमोशंस के साथ देते हैं तो फिर यह आपके जवाब के मुताबिक ही आपसे बात करेगा। यह आपके मूड को बेहतर बनाने के साथ साथ एंजाइटी और डिप्रेशन से भी निकलने में मदद करता है। यह इमोशनल हेल्थ सिम्टम्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, सोशल एंजाइटी, पैनिक, PTSD और BPD में भी मददगार हो सकता है। इसे भी आप iOS या Android डिवाइस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को